हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टेबल के बारे में। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डाटाबेस। राइट क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे, और क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम इसका एक नाम देते हैं डेटा, और इसे सेव करते हैं और डबल टाइप करके इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम जो है इसे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद जो है हमें यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमें जो है इस टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो है हमारा एक टेबल ओपन हो जाएगा, और इसे हम जो है डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे। डिजाइन व्यू पे ओपन करने के बाद इस टेबल का जो है हमें नाम रखने के लिए कहा गया, तो चलिए हम इसका एक नाम रखते हैं टेबल वन, और क्लिक करके ओपन कर देते हैं। तो ये जो है आईडी, ये ऑटो डिफॉल्ट होता है, और ये ऑटो नंबर जो है आपके रिकॉर्ड को काउंट करता है। तो इसके नीचे हम लिखते हैं एडीएम, और इसके बाद जो है डेटा टाइप। तो चलिए हम देख लेते हैं डेटा टाइप में क्या है। पहला है टेक्स्ट, उसके बाद मेमो, फिर उसके बाद नंबर, डेट टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, एस नो, ओली ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट और लुकअप विजार्ड। तो चलिए हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, फटाफट टाइप करते हैं। तो हमें एक डेटा बनाया है जिसमें पहला है एटीएम, और ये जो है हमारा एटीएम नंबर नंबर में होगा, और स्टूडेंट नेम टेक्स्ट, फादर नेम टेक्स्ट, मदर नेम टेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम, कॉन्टेक्ट टेक्स्ट, एड्रेस टेक्स्ट, और जो है पिन कोड वो भी जो है हमारा टेक्स्ट में है, और फोटो जो है हमारा अटैचमेंट में है। तो इसे हम सिंपल राइट क्लिक करेंगे और इसे हम सेव करेंगे, फिर क्लोज करके इसे ओपन करके हम देखते हैं। डबल टाइप करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं एडीएम, स्टूडेंट, फादर, मदर, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट, एड्रेस, पिन कोड, और ये रहा हमारा अटैचमेंट। तो चलिए हम फटाफट डाटा एंट्री करते हैं। वन द करेंगे, एड करेंगे, और जो है कोई भी फोटो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं, और ये रहा हमारा टेबल, और इसमें जो है पहला रिकॉर्ड सेव हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंट्री फॉर्म के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में।